मच एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी सीक्रेट इन हिंदी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा इफेक्टिव जेल जिससे आपकी जो आईब्रोज है वो ग्रो होंगी। अगर आपकी आईब्रोज जो है पतली है और किसी रीजन की वजह से झड़ गई है तो ये जो रेमेडी है ये आपकी हेल्प करेगी आपकी आईब्रोज को ग्रो करने में। और जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन ई कैप्सूल्स। इस रेमेडी में मैंने 3 इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है, जो है विटामिन ई कैप्सूल्स एंड एलोवेरा जेल एंड कैस्टर ऑयल। सो दोस्तों, सबसे पहले लेंगे हम एक बाउल। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसमें पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है। आप इसमें कोई सी ब्रांड का जो है एलोवेरा जेल ले सकते हैं। एलोवेरा जेल में विटामिन ए और B12 होता है जो हमारी हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके बाद हम लेंगे 1 टीस्पून ऑफ एलोवेरा जेल। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 2 टीस्पून भी ले सकते हैं, आपका 1 मंथ तक आराम से चल जाएगा, ये खराब नहीं होगा, आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें ऐड किया है विटामिन ई कैप्सूल जो हमारी हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है और हमारी हेयर ग्रोथ जो होती है इससे काफ़ी फास्टर होती है, इससे बाल भी नहीं टूटते हैं। ये आपको किसी भी केमिस्ट शॉप से आराम से मिल जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। अरंडी का जो तेल है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, इसलिए हमने इसे 1/2 चम्मच ऐड किया है। अब हमने एलोवेरा जेल और विटामिन ई कैप्सूल्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने उसको अच्छे से स्क्वीज कर लिया है। अब हम तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो हमारा जेल है वो तैयार हो चुका है। अब हमने लिया है एक पतला सा ब्रश। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप एयरबड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे आईब्रो पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के 5 से 10 मिनट बाद आप इसे अच्छे से वॉश कर लें। अगर आपकी आईब्रो ज़्यादा थिन है तो आप इसे लगातार 1 मंथ तक ट्राई करें। ट्रस्ट मी गाइस, आपको इसका जो रिजल्ट है वो आफ्टर 15 डेज ही देखने को मिल जाएगा। अगर आपकी जो आईब्रोज है वो ग्रो नहीं हो रही है तो आप जो है ये रेमेडी रोज ट्राई करें। और आपको कोई बाहर से मार्केट ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं है, जो है ये एकदम नेचुरल और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। सो आप इसको रोज डेली ट्राई करें और आप इसको 2 से 3 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये कोई खराब नहीं होगा। तो इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।